नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी के गुरु जी स्टडी गाइड में। आज की शॉर्ट टाइम की डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 वर्ड प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, हमारा यह विश्वास नहीं है कि आर्थिक विकास की एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन लाभ का भी महत्व होता है, विशेष रूप से इसलिए जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि उनसे राष्ट्र की बचत में वृद्धि होती है, भविष्य के लिए निवेश की पूंजी मिलती है, कारखानों को आधुनिकतम रूप देने के साधन प्राप्त होते हैं आदि। लाभ प्रबंध कुशलता का भी एक कसौटी होता है और उससे पता चलता है कि कोई कारखाना कितनी अच्छी हालत में है, लेकिन सरकार की मूल्य बढ़ाने की क्षमता का इस्तेमाल करके मोटे लाभ नहीं कमाए जाने चाहिए। संयंत्र के और साधनों के अधिक अच्छे उपयोग, अधिक कार्य कुशलता और उत्पादकता तथा श्रमिकों का अधिक सहयोग प्राप्त करके ये अर्जित किए जाने चाहिए। लागत संबंधी सजगता भी पहले से ज़्यादा ध्यान में रखी जानी चाहिए। ऐसा विश्वास है कि कई क्षेत्रों में क्षमता का पहले की अपेक्षा अधिक उपयोग हुआ है, इस सिलसिले को बनाए रखना चाहिए और जिन क्षेत्रों में क्षमता का उपयोग बेहतर उपयोग वाले क्षेत्रों की तुलना में कम हुआ है उनमें विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत मशीनरी का ही नहीं बल्कि मनुष्य या जन साधनों का बेहतर उपयोग भी शामिल है। पैराग्राफ, जब हम श्रम संबंधों या श्रमिकों की भागीदारी की बात करते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि श्रमिकों का मुंह बंद रखना है, हमारा उद्देश्य कहीं अधिक व्यापक है। उद्देश्य है काम काज में श्रमिकों के अंदर संलग्नता की भावना पैदा करना। जब मजदूर को पता होता है कि वह क्या कर रहा है, उसके योगदान से किस प्रकार समग्र उपलब्धि में कुछ जुड़ता है, तो मुझे विश्वास है कि वह अपना काम बेहतर ढंग से करेगा। हम चाहते हैं कि श्रमिक प्रबंधकों के साथ भागीदारी की भावना से प्रेरित हों और पूरे उपक्रम के प्रति अपनत्व विकसित करें। यह हमारे लोकतंत्र की संपूर्ण भावना का एक अंग है, केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में भी हमारे लोगों को यह अनुभव करना चाहिए कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह उनका अपना काम है, उन्हें उस काम के ध्येय को समझना चाहिए और उसके संबंध में नए विचार भी देने चाहिए तथा अपने अनुभव बताने चाहिए। प्रायः वे लोग ही त्रुटियों को बता सकते हैं,
या नए उपाय सुझा सकते हैं जो निचले स्तर पर कार्यरत हैं। श्रमिक विवादों की संख्या कम ही है। फुल स्टॉप। अगर आपको डिप्रेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।